ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਸਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਾਰੀ ਜੀ ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਅੱਜ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਰੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਕਾ ਰੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਕਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੁਆ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਮ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਤਾਬੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਕਾ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮਾਰੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਰੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਕਿਆ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੌਲੇਜ रियल नॉलेज को पहचानने के लिए भी मुश्किल है क्योंकि रियल नॉलेज किताबों में नहीं है न वो शब्दों में आ सकते हैं न वो मन के द्वार से आ सकते हैं इसका मतलब कि रियल नॉलेज जिसके बारे हम बात कर रहे हैं वो है अनंत वो है इतना भारी कि हम उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं या उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसलिए हमारे गुरुदेव ने गुरुकुल में आके ही कि अपना सारी स्पिरिचुअल किताबें रखो अपना सारे ज्ञान जो आपने ले लिया जन्म से इस पल तक गार्बेज अब सुनो मेरे बात सिर्फ इस यंत्र में शरीर में जो भी आप इसको बोलते हैं जी उनके अंदर सब कुछ है हर भगवान अपने जगह जगह में कर रहे हैं अपना अपना वो पूरा कनेक्टेड है ब्रह्मांड से भगवान से आत्म तत्व से पंच तत्व से प्रकृति से बाहर से भी अंदर से भी तो इसका मतलब अगर हम केवल अपने को जाएंगे जी सेल्फ नॉलेज सेल्फ रियलाइजेशन को पाएंगे हमारे पास पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान होगा राइट ये ऋषि लोग बोलते हैं ये सभी लोग बोलते हैं पर ये स्टेप्स में आते हैं ना ये पूरा एक जीवन पूरा साधना बन जाता है जी और हम कभी गुरु नहीं बनेंगे हम शिष्य वैसे ही रहेंगे क्योंकि ज्ञान का अंत नहीं है बिल्कुल इसका मतलब कि शिक्षक का अंत नहीं है सदैव शिष्य रह के और अपने जीवन को एक यूनिवर्सिटी की नजर से देखकर आप हर ज्ञान को पा सकते हैं हर मुश्किल जो सिचुएशन आते हैं ये भी एक टेस्ट है ये भी एक एग्जाम है कि आपने जो ज्ञान पाया आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं क्या तो एक जीवन वो नहीं कि अच्छा बुरा दुख सुख नहीं वो एक यूनिवर्सिटी है आप जन्म लेकर कितना समय बर्बाद कर रहे हैं इस शरीर में जब इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है ये करके सो करके उस बाहर की ज्ञान पाकर हम अपने को भी नहीं जानते हैं तो कैसे डॉक्टर कैसे अच्छे इंजीनियर बनेंगे ना अगर हम अपना पैशन को अपना आत्मा को नहीं सुनेंगे हम खुश कैसे रहेंगे और इससे खुशियाँ कैसे दे सकेंगे सो इसमें अब बात आती है कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें हमें एक जीवन के बारे में रहस्य जो है हमारे जीवन का उसके बारे में लिखा गया जिसको हम जीवन जांच कहते हैं कि जो कुछ है उसके ऊपर चलो सिर्फ पढ़ो ही ना सिर्फ चलो लेकिन आज जिस तरीके से इन ग्रंथों का मंत्र उच्चारण हो रहा है क्या उच्चारने से सब कुछ ठीक हो सकता है या चलना पड़ेगा उसके ऊपर सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड सो द क्वेश्चन इज दैट लाइक टुडे व्हाटएवर इज रिटन इन आवर होली बुक्स Now we are started praying for it. We are using it as we a mantra only. We are not using it as to so call it. It was a tool to life. It was a tool to a good life. Yes. But what do you think that the way we have just confined the knowledge what we get from these spiritual books to just for the sake of prayer or just for the sake of asking yes. from God, yes. but not following it. So my question is just praying enough or you have to work on that or walk oh, on that? Oh no, of course just praying is not enough. Mm-hmm. Many times I go to a mandir and there's just some automatic puja happening, you right. know, I call this automatic. Right. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, something, something, or to a church, the same thing, or to a mosque. And I think Bhagwan Pratna se bhuke nahi hai, Bhagwan Prasad se bhuke nahi hai, Bhagwan se bhav bhuke hai. Bhav, right. Bhav se bhuke hai. Okay.
He needs to feel our emotion. In mm-hmm. fact, we're not doing puja for God in whichever name or form. Mm-hmm. We are doing puja to our own self. Ji. So when we pranam to God, when we speak to God, puja or pratna, grant say, ya Bible say, ya Quran say, this was just given a prescribed action of how one person had realized God by doing this Allah. And many times I sit like this and mm-hmm. I feel Allah. And mm-hmm. it's that same God which is Buddha right. and which is Shiva. Mm-hmm. Then no matter what the religion, if you pray with your bhav, mm-hmm. with your heart, even if you don't say a thing, in fact, better that you don't say a thing. Kyunki pratna sirf niswarth hoti hai. Yes? Mm-hmm. Then when we give our soul to God, God will come and meet you. Right. This is a guarantee. But not if we do some pratna mechanically. What is this good for? Maybe exercising your arm mm-hmm. at best. But that's how it's becoming now everywhere. What we're finding is becoming aur swarth ki aur niswarth ki jo aapne baat ki. Aaj agar main gurudwara mein jata hu to mera maqsad hai kuch lena, wahan pe jaake prarthna karni. To wo swarth jo hai wo to har cheez mein aa gaya. To swarth ko kaise khatam karna hai, kaise niswarth hona hai? Kyunki aaj jo samaj hai जिसमें हम बड़े रहे हैं, पले हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर हर एक चीज के साथ स्वार्थ जुड़ गया. सो निस्वार्थ जो है खत्म हो गया. अब ये बताइए कि कैसे निस्वार्थ होना है. सबसे पहले पूरा निस्वार्थ होना असंभव है इस पृथ्वी लोक में शायद, परंतु क्योंकि गुरु का स्वार्थ भी होते है कि उनका शिष्य ज्ञान लेकर बड़ा बन जाए. right. ये भी कोई स्वार्थ है ना. yeah. तो इसका मतलब निस्वार्थ में भी कुछ ना कुछ स्वार्थ होते हैं, परंतु आप लोगों का स्वार्थ बहुत स्टूपिड है. mm-hmm. जो आप सोचिए आपका स्वार्थ है mm-hmm. वो आपको धोख देगा. mm-hmm. आप सोच रहे हैं कि लाइंग चीटिंग करके कुछ ना कुछ करके पैसे बढ़ा के हमें खुशियाँ मिलेंगे. mm-hmm. आपको और समस्या मिलेंगे और टेंशन मिलेंगे कि अभी इस $2 million हम कैसे और बनाए, कैसे उनको सुरक्षित रखिए कि कोई हमारा घर में ना आए. मतलब टेंशन टेंशन बढ़ा रहे हैं. तो ये स्वार्थ नहीं है. सबसे पहले ये समझो कि स्वार्थ क्या है. आपका स्वार्थ ये होना चाहिए कि अगर हम अच्छा रास्ते पे चलेंगे जी. तो भगवान जी हमारा सहायता हमेशा रखेंगे. राइट. हमारे सुरक्षक हमेशा रखेंगे. mm-hmm. मुझे कोई अपने लिए चिंता करने ही नहीं पड़ता है. right. क्योंकि हम केवल उनके लिए आए हैं, उनके लिए जी रहे हैं और उनके लिए जा रहे हैं. mm-hmm. सो वॉट यू आर सेइंग इज कि अगर हम छोड़ दें अपनी एस्पिरेशंस को, छोड़ दें सब कुछ उस भगवान पे, छोड़ दें. छोड़ना बहुत वो शब्द है, डिफरेंट वर्ड है. सबमिट कर दें, हम बदलें, बदलें अपना पर्सपेक्टिव. अपना लक्ष्य जो है, अपना स्वर जो है, अपने जो एस्पिरेशंस है उनको सिर्फ एक डिफरेंट डायरेक्शंस दो. क्योंकि पहले आपका डायरेक्शन ये था कि ये कमा के, ये बन के, ये पा के, फिर उसे भी खुशी नहीं हुआ. mm-hmm. इसका मतलब अगर हम दूसरे रास्ते पे चलेंगे, अपना जीवन को सरल बनाएंगे. mm-hmm. सरलता ही खुशी है, ये भी याद रखो. right. सरलता के बिना सुख हो ही नहीं सकता. इन मल्टीप्लिसिटी वी ओनली गेट सेपरेशन, ड्यूअलिटी, अज्ञान, व्हिच इज द रूट ऑफ दुख. दुख का रूट क्या है? अज्ञान. बट इफ वी गो सिंपल सिंपल सिंपल, रेनाउंसिंग इवन आवर सेल्व्स, आवर ईगोस, आवर एस्पेक्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स, एंड वी कम टू अ वेरी सिंपल कंडीशन, आई एम नथिंग, गॉड इज एवरीथिंग. राइट. दिस इज द हैप्पी that mm-hmm. everyone is actually searching for. The mm-hmm. freedom and the liberation comes right. only from surrender, contrary to what the mind may think, that right. when you surrender to something you lose your freedom. mm-hmm. No, that's when you actually gain it, because you lose the responsibility of yourself. You need not think, you left it to the higher power. Right. पर इसमें अब सवाल आम तौर के ऊपर आता है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल से शायद अच्छी तरीके से समझ आए कि एक बच्चा है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, उसकी एक एस्पिरेशन है. उसके लिए वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है और वहाँ पे वो पहुँच रहा है. अब वहाँ पे पहुँच के भी जैसे आपने कहा कि हर एक व्यक्ति तो अपना कर्तव्य जो है वो छोड़ नहीं सकता, जो उसका फैमिली है उसको छोड़ नहीं सकता. तो रहते हुए जो भी काम कर रहा है उसमें कैसे वो निस्वार्थता जो है उसको लाना है, इसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे. हमें बताइएगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं, किसी भी खित्ते में हैं, तो उसमें वो निस्वार्थता कैसे लानी है. विद एग्जाम्पल्स विल टॉक. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू.